हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज की जो वीडियो की ये टॉपिक है, ये डैम प्रूफ सीसी बेड के ऊपर है। ये देखिए, 4 इंच के ब्रिक के वॉल को 3 फीट बालकम हो जाने के बाद यहाँ पे एक स्टील की रॉड प्रेस की गई है, और स्टील की रॉड प्रेस करने के बाद यहाँ पे 3 इंच और 4 इंच का सीसी बेड यहाँ पर, यानी कि कंक्रीटिंग का बेड डाला जा रहा है। ये स्टील का रॉड रखने का ये मकसद है, ताकि स्टील में स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है तो ये टॉर्शन और कंप्रेशन से हमको बचाता है, और हमारे दीवार को मजबूत भी लाने में मदद करता है। तो जहाँ कहीं भी आप 4 इंच के वॉल बना रहे हैं, तो आपकी बिल्डिंग की 3 फीट हो जाने के बाद आपको इस तरीके से प्रोसेस करना होगा, ताकि 4 इंच के दीवार को स्ट्रेंथ अच्छी से मिल सके और इसमें ग्रिप बना रहे। अगर आप 4 इंच के दीवार को इस तरीके से सीसी बेड कंक्रीटिंग का बेड नहीं डालेंगे, तो मान लीजिए आपको दिक्कत आ जाएगी ये अर्थक्विक के टाइम पे, और जो विंटर सीज़न में हवा वो ज़्यादा चलती है, उस टाइम पे क्या होगा, 4 इंच के दीवार को क्रैक पकड़ेगा, और ये क्रैक अगर थोड़ा पकड़ेगा तो आपके पूरे बंदिश के वर्क को ये पूरा क्रैक में कन्वर्ट कर देगा। इसीलिए आपको ये डिसएडवांटेज से बचने के लिए आपको 3 फीट के बाद ये एक डैम प्रूफ सीसी बेड कंक्रीटिंग का कंपलसरी डालना होगा। ये देखिए आप, देन आफ्टर 7 फीट के बाद इसके ऊपर और एक एक लिंटल बैंड आ जाएगा, तो इसमें अच्छे से स्ट्रेंथ, डबल स्ट्रेंथ इसमें 4 इंच के दीवार को आ जाएगी, तो ये अच्छे से स्ट्रेंथ में आ जाएगा, और हमें कंप्रेशन जोन और टेंशन जोन में अच्छे से स्ट्रेंथ इसमें आती रहेगी। ये देखिए, लेबर लोग कंक्रीटिंग का बेड मिला के बीच में 2 लेवलिंग रख के इसमें पूरा सा 4 इंच का कंक्रीटिंग का बेड डाल रहे हैं। और आपको ये 9 इंच की अगर आप ब्रिक वर्क बना रहे हैं, तो इस तरीके से कंक्रीटिंग का बेड डालने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 9 इंच के ब्रिक वर्क में वो बहुत ही चौड़ा होता है, और इसमें स्ट्रेंथ अच्छी सी रहती है। अगर आप इस तरीके से कंक्रीटिंग बेड नहीं भी डालेंगे 9 इंच के दीवार को, तो चलेगा, बट आपको 4 इंच के दीवार को ऐसा कंक्रीटिंग के बेड कंपलसरी डालना होगा। ये देखिए, हमारा 3 फीट का 4 इंच का ब्रिक वर्क हो गया है, और इसको भी हम सेम तरीके से मेथड अप्लाई करेंगे। फर्स्ट एक स्टील का रॉड रखेंगे, देन इसको 4 इंच का कंक्रीटिंग का बेड एकदम लेवल में डाल देंगे। ये देखिए, यहाँ पे मेस्टीरो लोग डाल रहे हैं कंक्रीटिंग का बेड। ये कंक्रीटिंग का बेड डालने के बाद ऊपर थोड़ा सा सीमेंट डाले जाएगा, ताकि ये जल्दी से हमारा सूख जाए कंक्रीटिंग का बेड। देन आफ्टर ये कंप्लीट हो जाने के बाद नेक्स्ट डे 3 से 4 डेज इसकी अच्छे से क्यूरिंग करनी होगी, ताकि हमारा कंक्रीटिंग का बेड और ब्रिक वर्क अच्छे से क्यूरिंग